टैक्सहील.com के YouTube चैनल पर मैं सी एस सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं GST न्यूज़ पार्ट 211। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि GST एक्ट के अंतर्गत आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड आपको कौन से अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है। हमने अपनी पुरानी GST न्यूज़ में GST की जनरल एंट्रीज को डिस्कस किया है। GST न्यूज़ पार्ट 208 में हमने इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड एंट्रीज को डिस्कस किया, और GST न्यूज़ पार्ट 210 में हमने इम्पोर्ट और ब्रांच ट्रांसफ़र से रिलेटेड इनवर्ड सप्लाई के एंट्रीज को डिस्कस किया है। इस GST न्यूज़ के वीडियो डिस्क्रिप्शन में GST न्यूज़ पार्ट 208 और पार्ट 210 का लिंक दिया गया है, जिसे आप रेफ़र कर सकते हैं। आउटवर्ड सप्लाई के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आउटवर्ड सप्लाई की जाती है, जहाँ पे के सप्लायर को GST पे करना होता है, या फिर रिवर्स चार्ज के अंदर आउटवर्ड सप्लाई की जाती है, जहाँ पे के रिसिपिएंट को GST पे करना होता है, या फिर एक्सपोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन और डीम्ड एक्सपोर्ट की आउटवर्ड सप्लाई की जाती है, या फिर ब्रांच या फिर बिजनेस वर्टिकल को आउटवर्ड सप्लाई की जाती है। इस प्रकार ही एग्जम्प्ट सप्लाई की जाती है गुड्स और सर्विसेज की। हम आउटवर्ड सप्लाईज़ की एंट्रीज़ को एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको 10 यूनिट सप्लाई करने हैं टैक्स पेयर को और प्राइस 20 रुपीज़ पर यूनिट है। इस प्रकार टोटल आउटवर्ड सप्लाई 200 रुपीज़ हो जाती है। मान लीजिए CGST 9% 18 रुपीज़ है, SGST 9% 18 रुपीज़ है, या फिर IGST यदि पे करना है तो 18% यानी कि 36 रुपीज़ है, या फिर यदि कंपनसेशन सेस एप्लीकेबल है उसका रेट 5% है यानी कि रुपीज़ 10। यदि फॉरवर्ड चार्ज के अंतर्गत आउटवर्ड सप्लाई की जाती है विद इन द स्टेट यानी कि इंटर स्टेट, तो उस पर उसमें GST के एंट्रीज इस प्रकार होंगी। डेटर ओब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 246 रुपीज़, टू आउटपुट SGST पेबल अकाउंट 18 रुपीज़, टू आउटपुट CGST पेबल अकाउंट 18 रुपीज़, टू आउटपुट सेस पेबल अकाउंट इफ एप्लीकेबल 10 रुपीज़, टू सेल्स ओब्लिक सर्विस अकाउंट 200 रुपीज़ बींग इंटर स्टेट सप्लाई मेड। इसी प्रकार यदि GST के अंतर्गत आउटवर्ड सप्लाई की जाती है इंटर स्टेट की यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो उसमें अकाउंटिंग एंट्रीज प्रकार होगी। डेटर ओब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 246 रुपीज़, टू आउटपुट IGST पेबल अकाउंट 36 रुपीज़, टू आउटपुट सेस पेबल अकाउंट इफ एप्लीकेबल 10 रुपीज़, टू सेल्स ओब्लिक सर्विस अकाउंट 200 रुपीज़ बींग इंटर स्टेट सप्लाई मेड। रिवर्स चार्ज के अंदर यदि आउटवर्ड सप्लाई की जाती है तो GST की एंट्रीज क्या होंगी, इसे समझने से पहले सबसे पहले हम GST एक्ट की प्रोविज़न को समझ लेते हैं। सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 CGST एक्ट 2017 और सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 IGST एक्ट 2017 यह कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा कुछ गुड्स और सर्विसेज को स्पेसिफाई कर सकती हैं, जहाँ पे कि टैक्स रिवर्स चार्ज बेसिस पर रिसिपिएंट को पे करना होगा, यानी कि सप्लायर को टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। यदि रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आउटवर्ड सप्लाई की जाती है जहाँ पे के रिसिपिएंट को GST पे करना होता है, तो सप्लायर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज इस प्रकार होंगी। डेटर ओब्लिक बैंक अकाउंट 200 रुपीज़, टू सेल्स ओब्लिक सर्विस अकाउंट 200 रुपीज़ बींग इंटर स्टेट और इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई मेड अंडर रिवर्स चार्ज। यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप अपनी GSTR1 फाइल करेंगे, यदि कोई टैक्स पेयर GST एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो उसे यहाँ पे डिटेल देनी होती है। GSTR1 में डिटेल दी जाती है कि रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट कितनी सप्लाई की गई है। इसलिए यहाँ पे आपको ये एडवाइस किया जाता है कि आप अपने सेल्स के अकाउंट अकॉर्डिंगली ओपन कर लें, यानी कि सेल्स इंट्रा स्टेट रजिस्टर्ड, सेल्स इंट्रा स्टेट अनरजिस्टर्ड, सेल्स इंटर स्टेट रजिस्टर्ड एंड सेल्स इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड, ताकि आप अपने GSTR1 को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ रिकनसाइल कर सकें। एक्सपोर्ट के केस में GST की एंट्रीज क्या होंगी, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम GST एक्ट की प्रोविज़न को समझ लेते हैं। सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 IGST एक्ट 2017 का यह कहता है कि यदि गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया जाता है, या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर या स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को सप्लाई किया जाता है, तो उसे जीरो रेटर सप्लाई कहा जाएगा। इस प्रकार जीरो रेटर सप्लाई के केस में GST एक्ट के अंदर कोई टैक्स नहीं लेवी किया जाता। यदि कोई टैक्स पेयर एक्सपोर्ट करता है तो उसे दो ऑप्शन दी गई हैं।
इसके लिए हम सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 को रेफर कर सकते हैं IGST 2017 के, जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति एक्सपोर्ट करता है तो वह रिफंड क्लेम कर सकता है, यानी कि यदि कोई एक्सपोर्टर गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट करता है तो वह बिना IGST के पेमेंट के एक्सपोर्ट कर सकता है, और उसने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पे किया है उसका वो रिफंड क्लेम कर सकता है। इसके लिए उसे बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देनी होगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि कोई भी टैक्स पेयर गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर सकता है IGST के पेमेंट के साथ, और उसके बाद उसने जो टैक्स पे किया है गुड्स और सर्विसेज पर उसका रिफंड क्लेम कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति एक्सपोर्ट करता है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या किया जा सकता है, इसके लिए आप सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 ऑफ IGST एक्ट 2017 को रेफर कर सकते हैं, जो कि यह कहता है कि जीरो रेट सप्लाई को करने के लिए टैक्स पेयर अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर सकता है। हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई टैक्स पेयर एक्सपोर्ट करता है 10 यूनिट्स या 20 पर यूनिट, टोटल आउटवर्ड सप्लाई की जो वैल्यू है वो 200 रुपीज हो जाती है। यहाँ पे IGST का रेट मान लीजिए 18% है, यानी कि 36 रुपीज। एक्सपोर्ट को इंटरेस्ट रेट ट्रीट किया जाता है, इसलिए IGST चार्ज किया जाता है। मान लीजिए एक्सपोर्टर ने जब यह गुड्स परचेज की थी तो उसने IGST 24 रुपीज़ पे किया था, यदि उसने दूसरी स्टेट से परचेज की थी। यदि उसने सेम स्टेट से परचेज की थी तो हो सकता है उसने CGST 12 रुपीज़ और SGST 12 रुपीज़ पे किया हो, यानी कि इंटरस्टेट परचेज के केस में। सबसे पहले हम लोग यह ऑप्शन देख लेते हैं कि कोई टैक्स पेयर एक्सपोर्ट करता है GST के पेमेंट के साथ, उस केस में अकाउंटिंग एंट्रीज इस प्रकार होंगी। डेटर ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 200 रुपीज़, IGST रिफंडेबल अकाउंट 36 रुपीज़, टू सेल्स ऑब्लिक सर्विस अकाउंट 200 रुपीज़, टू आउटपुट IGST पेबल अकाउंट 36 रुपीज़। यानी कि यहाँ पे हमने IGST की अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर ली है, और उसके साथ ही क्योंकि ये अमाउंट हमें रिफंड हो जाएगा इसलिए हमने IGST रिफंडेबल अकाउंट ओपन कर लिया है। यदि कोई टैक्स पेयर एक्सपोर्ट कर रहा है GST के पेमेंट के साथ तो वह अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है। इसके लिए एंट्री इस प्रकार होगी, आउटपुट IGST पेबल अकाउंट 24 रुपीज़, टू IGST इनपुट अकाउंट 24 रुपीज़। यानी कि आउटपुट IGST की जो लाइबिलिटी है उसे रिड्यूस कर दिया गया है। विद इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस टैक्स लाइबिलिटी को पे करने के लिए अमाउंट ई कैश लेजर में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए एंट्री इस प्रकार होगी, ई कैश लेजर IGST अकाउंट 12 रुपीज़, टू बैंक अकाउंट 12 रुपीज़, बीइंग बैलेंस टैक्स पेबल डिपोजिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक लेजर ऑफ IGST। अब हम ई कैश लेजर को यूटिलाइज करेंगे IGST लाइबिलिटी की पेमेंट करने के लिए। इसके लिए एंट्रीज होंगी, आउटपुट IGST पेबल अकाउंट डेबिट 12 रुपीज़, टू ई कैश लेजर IGST अकाउंट 12 रुपीज़, बीइंग बैलेंस आउटपुट लाइबिलिटी एडजस्टेड विद ई कैश लेजर। IGST की पेमेंट करने के बाद हम उसका रिफंड क्लेम फाइल करेंगे। इसके लिए एंट्रीज होंगी, IGST रिफंड क्लेम अकाउंट डेबिट 36 रुपीज़, टू IGST रिफंडेबल अकाउंट 36 रुपीज़। यानी कि हम रिफंड फाइल करने के बाद जो रिफंडेबल अकाउंट हमने अमाउंट ट्रांसफ़र किया था उसे रिफंड क्लेम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे ही हमें रिफंड मिल जाएगा हम लोग एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 36 रुपीज़, टू IGST रिफंड क्लेम अकाउंट 36 रुपीज़, बीइंग रिफंड रिसीव्ड। यदि कोई टैक्स पेयर एक्सपोर्ट करता है बॉन्ड या फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के बेसिस पर तो उस केस में जनरल एंट्री होगी, डेटर ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 200 रुपीज़, टू सेल्स ऑब्लिक सर्विस अकाउंट 200 रुपीज़। इस केस में जो एक्सपोर्ट किया गया है वो बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के बेसिस पे किया गया है और कोई IGST पे नहीं करना है। यदि कोई व्यक्ति एक्सपोर्ट करता है बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के बेसिस पर तो उसने जब परचेजेस की थी और इनपुट टैक्स क्रेडिट पे किया था उसका वो रिफंड क्लेम कर सकता है। यानी कि इस केस में मान लीजिए उसने CGST और SGST पे किया था परचेजेस पर, तो उस केस में अकाउंटिंग एंट्रीज इस प्रकार होंगी, CGST रिफंड क्लेम अकाउंट 12 रुपीज़, SGST रिफंड क्लेम अकाउंट 12 रुपीज़, टू CGST इनपुट अकाउंट 12 रुपीज़, टू SGST इनपुट अकाउंट 12 रुपीज़। यानी कि जो एलिजिबल अमाउंट है इनपुट टैक्स क्रेडिट का उसे रिफंड क्लेम में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जब हम ये रिफंड क्लेम फाइल कर देंगे एज पर रूल 89 ऑफ CGST रूल्स,
जब रिफंड का अमाउंट रिसीव हो जाएगा तो हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 24 रुपीज़ टू सी जी एस टी रिफंड क्लेम अकाउंट 12 रुपीज़ टू एस जी एस टी रिफंड क्लेम अकाउंट 12 रुपीज़ बींग रिफंड रिसीव्ड। यदि कोई व्यक्ति बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के बेस पे एक्सपोर्ट करता है और जब उसने परचेजेस की थी तो उसने आई जी एस टी पे किया था तो उसका रिफंड क्लेम करने के लिए एंट्रीज इस प्रकार होंगी आई जी एस टी रिफंड क्लेम अकाउंट 24 रुपीज़ टू आई जी एस टी इनपुट अकाउंट 24 रुपीज़ बींग रिफंड ऑफ एलिजिबल इनपुट एज क्रेडिट क्लेम्ड एज पर रूल 89। जब आई जी एस टी का रिफंड मिल जाएगा तो उसके बाद एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 24 रुपीज़ टू आई जी एस टी रिफंड क्लेम अकाउंट 24 रुपीज़ बींग रिफंड रिसीव्ड। यदि आउटवर्ड सप्लाई की जाती है ब्रांचेस को या फिर दूसरे बिजनेस वर्टिकल को विद सेम पैन नंबर तो जी एस टी की एंट्रीज क्या होंगी, इसे समझने से पहले हम जी एस टी एक्ट की प्रोविजन को देख लेते हैं। सी जी एस टी 2017 का शेड्यूल 1 पैरा 2 यह कहता है कि यदि रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होती है इवन इफ के विदाउट कंसिडरेशन तो इसे भी सप्लाई माना जाएगा। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 15 ऑफ सी जी एस टी 2017 की एक्सप्लेनेशन में दी गई है जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन्स की डेफिनेशन सेक्शन 25 सब सेक्शन 4 और 5 में दी गई है, यानी कि यदि किसी टैक्स पेयर की 2 स्टेट्स में ब्रांचेज हैं तो दोनों को ही डिस्टिंक्ट पर्सन्स माना जाएगा। इस प्रकार यदि स्टॉक ट्रांसफर की जाती है किसी दूसरी ब्रांच को जो कि दूसरी स्टेट्स में लोकेटेड है तो उसे भी आउटवर्ड सप्लाई माना जाएगा, या फिर बिजनेस वर्टिकल को सप्लाई की जाती है उसे भी आउटवर्ड सप्लाई कहा जाएगा, या फिर हेड ऑफिस कोई सॉफ्टवेयर परचेज करता है जिसे के ब्रांचेज यूज़ करती हैं तो ये माना जाएगा कि हेड ऑफिस ने ब्रांचेज को सर्विस सप्लाई की है और अकॉर्डिंगली आपको जीएसटी की एंट्रीज पास करनी है। हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई टैक्स पेयर सेल्स करता है 10 यूनिट्स की एट द रेट ऑफ ₹20 पर यूनिट तो उसकी इसमें टोटल आउटवर्ड सप्लाई की वैल्यू ₹200 हो जाती है। सी जी एस टी 9% ₹18, एस जी एस टी 9% ₹18, आई जी एस टी 18% है मान लीजिए इस केस में ₹36 और जो कंपनसेशन है वो 5% यानी कि ₹10। यदि विद इन द स्टेट यानी कि इंट्रा स्टेट बिजनेस वर्टिकल को आउटवर्ड सप्लाई की जाती है तो जीएसटी की एंट्रीज इस प्रकार होंगी बिजनेस वर्टिकल अकाउंट डेबिट ₹246 टू आउटपुट एस जी एस टी पेबल अकाउंट ₹18 टू आउटपुट सी जी एस टी पेबल अकाउंट ₹18 टू आउटपुट सेस पेबल अकाउंट इफ एप्लीकेबल ₹10 टू सेल्स ऑब्लिक सर्विस अकाउंट ₹200 बीइंग इंटर स्टेट ट्रांसफर मेड टू बिजनेस वर्टिकल। यदि इंटर स्टेट सप्लाई की जाती है यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ब्रांचेस को सप्लाई की जाती है तो उस केस में जीएसटी की एंट्रीज होगी बिजनेस वर्टिकल अकाउंट डेबिट ₹246 टू आउटपुट आई जी एस टी पेबल अकाउंट ₹36 टू आउटपुट सेस पेबल अकाउंट इफ एप्लीकेबल ₹10 टू सेल्स ऑब्लिक सर्विस अकाउंट ₹200 बीइंग इंटर स्टेट ट्रांसफर मेड टू बिजनेस वर्टिकल ऑफ द कंपनी। यदि नील या फिर एग्जम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई की जाती है तो कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाता इनवाइस पे, उस केस में आपको जनरल एंट्री पास करनी है डेटर ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट ₹200 टू एग्जम्प्ट सेल्स ऑब्लिक एग्जम्प्ट सर्विस अकाउंट ₹200। जीएसटी और टैक्स रिलेटेड नई बुक्स मार्केट में आ गई है जैसे कि जीएसटी ई वे बिल एज अमेंडेड अप टू 27th of March 2018, टीडीएस फाइनेंस एक्ट 2018 के अकॉर्डिंग आईसीडीएस, इनकम टैक्स एक्ट एंड कमेंट्री ऑन इनकम टैक्स एक्ट, इन सभी बुक्स को आप हमारी वेबसाइट पर रेफर कर सकते हैं taxhill.com। बुक्स में आपको जाना है न्यू रिलीज इन बुक स्टोर पर क्लिक करना है। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं, लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। टैक्स हिल की टीम उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया जिसकी वजह से कि हम लोग फ्री अपडेट आप सभी तक रेगुलरली पहुँचा सकते हैं।
यदि आपने अभी जीएसटी और टैक्स की न्यूज़ से कोई बेनिफिट लिया है तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए लिंक आपके टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ताकि हम लोग हाई क्वालिटी वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकें और जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लॉय कर सकें।